हरि ओम गुरु महाराज जी को आदेश, सत नमो आदेश। आज का ये छोटा सा वीडियो मैं आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, और विषय है कुल देवी या देवता का हमारे कुंडलिनी जागरण और आध्यात्मिक उन्नति में क्या स्थान है। बहुत से साधकों का ये अनुभव रहा है कि निरंतर प्रयास करने पर या सालों साल बहुत कठिन परिश्रम करने पर भी उन्हें इच्छा के अनुसार अपने आध्यात्मिक जीवन में अनुभव प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में अनेक साधकों ने इस प्रकार की जिज्ञासाएं मेरे समक्ष रखी और पूछने के बाद कि भी उनके कुल देवी और देवता किस स्थान पर हैं, क्या उनकी मान मर्यादाएं हैं, उन्हें इस बारे में कुछ भी विचार नहीं था। तो कारण साफ था। पहले मैं मूल बिंदु की ओर जाऊंगा, ये कुल देवी और देवता का आखिर क्या स्थान है। कुल देवी या देवता हमारे सनातन परंपरा के अनुसार केवल शिव और शक्ति जगत जननी निरंकार स्वरूप में ही हमारे सब जीवों का पोषण और जनन करता है। किंतु समय, स्थान और परिस्थितियों को लेकर वह अपने विभिन्न रूपों में प्रकट हुई, और समय के साथ साथ चलते हुए कुल परंपराएं और कुल की मान मर्यादाएं भी स्थापित हो गई। इस कारणवश इस भगवती माँ जगत जननी को अनेक रूपों में पूजा जाने लगा और ये कुल की परंपराओं में सम्मिलित हो गई, और धीरे धीरे हमारी परंपराएं आगे होते हुए हमारे एक दिनचर्या का एक अभिन्न अंग बन गए। और जैसा कि हम ये भी कह सकते हैं कि इन परंपराओं का हमारे जीवन में एक विशेष स्थान होता है, लेकिन बढ़ते हुए शहरीकरण और विज्ञान के धीरे धीरे प्रसार और प्रचार के कारण हम अपने कुल की परंपराएं, विशिष्ट रीति रिवाज भूलते चले गए, जिस कारणवश हमें अनेक प्रकार की समस्याएं आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से देखने में आई। किंतु मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि अब वैज्ञानिक लोग भी हमारे आध्यात्मिक जीवन को आनुवंशिकी के साथ जोड़कर देखते हैं। एक आनुवंशिकी जीन BMAT2 जीन वेसिकुलर मोनोअमाइन जीन है, ट्रांसपोर्टर जीन कहते हैं इसे, जो कि हमारे आध्यात्मिक विकास और आध्यात्मिक अनुभवों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस कारणवश इसे हम अपने रूढ़िवादी विचारधारा ना समझते हुए एक वैज्ञानिक आधार पर अपने परंपराओं को जारी रखने की विशेष प्रयास करें। और बाद में अगर हम बात करें हमारे कुल देवी और देवता के आध्यात्मिक उन्नति और
इस पथ पर हमारे स्थान के लिए। तो जैसे कि ऊर्जा की बात की जाती है कि वो ऊर्जा हमारे घर पर हमारे स्थान पर ही अगर कुल परंपरा से ही आ रही हैं तो उसे सही से आगे लेकर जाना चाहिए, संयोजित करना चाहिए। अधिकांशता लोग ये बात भूल जाते हैं और बाद में वो विभिन्न प्रकार के आडंबरों, अनेक व्यावसायिक व्यक्तियों के चंगुल में फंस जाते हैं। ये तो कुछ लगभग ऐसा ही हुआ जैसे कि आप अपने घर के भोजन को त्याग करके बाहर के किसी रेस्टोरेंट या अन्य भोजन स्थान पे भोजन करें और आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार के भोजन से आपको अधिक समय तक संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। कुलदेवी और कुलदेवता के महत्व के बारे में हमें अनेक उल्लेख भी मिलते हैं। एक महान विद्वान, महान पंडित रावण का भी इस बारे में विचार बहुत ही सटीक था। उन्हें कुलदेवी और उसकी साधना के बारे में बहुत विशिष्ट महत्व के बारे में तरीके से ज्ञान था। उनके कहने पर मेघनाद ने अपने कुल देवी साधना का यज्ञ आयोजित किया था और हम जानते हैं अगर वो मेघनाद इस यज्ञ में सफल हो जाता तो उसे इतनी ऊर्जा प्रदान हो जाती कि स्वयं भगवान राम भी और उनकी सेना भी उन्हें परास्त ना कर पाते। तो इसलिए कुल देवी का महत्व हमारे जीवन में और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने में और भी महत्व रखता है। तो कुल देवी और कुल देवता इष्ट की आराधना, उनका मान सम्मान और मर्यादा रखना बहुत ही अधिक लाभप्रद हो सकता है। और जब भी आप कोई साधना करें अपने आसन पे उस कुलदेवी, अपने कुलजा स्वरूपणी माँ भगवती को ध्यान में रखते हुए उसकी आराधना करते हुए आगे बढ़ें और किसी विद्वान से इस विषय में गहन चिंतन के बाद कोई मंत्र या कुलदेवी दीक्षा प्राप्त करें ताकि आपको अपने आध्यात्मिक मार्ग में और अधिक प्रशस्त अनुभव और क्रियाएं करने का अवसर प्राप्त हो। आज के इस वीडियो में इतना ही। सत नमो आदेश, गुरु जी को आदेश, हरिओम, गुरु महाराज जी आदेश आदेश आदेश।